जब से बच्चा खाना शुरू करता है तो हम इनको मिलेट्स भी खिला सकते हैं, कैल्शियम ज़्यादा होता है, आयरन भी ज़्यादा होता है, जैसे रागी हो गया, साउथ में रागी का हम मतलब बच्चों को खीर खिलाते हैं। नमस्कार, मैं कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन, एसपी बिलासपुर। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 2023 हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ईयर ऑफ मिलेट बोल के इसको एडवर्टाइज़ किया गया है। और ये मिलेट्स एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हमारे बुज़ुर्ग तकरीबन 60-70 ईयर्स पहले हम इसको अपने रोज के खाने में हम इसका उपयोग करते थे। मिलेट्स अन्य तरीके के पदार्थ आते हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, ये तीन जो आइटम हैं काफ़ी फेमस होते हैं। परंतु इसके अलावा हो गया कोडो मिलेट, बानियार्ड, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, ये अलग अलग से मिलेट्स होते हैं जो फार्मर्स इसका प्रोड्यूस करते हैं। और चावल और गेहूं को कंपेयर किया जाए तो ये मिलेट्स में काफ़ी कम पानी का उपयोग होता है इसको ग्रो करने के लिए। तो फार्मर्स के लिए भी ये ड्राई रीजन में ये जब ये इसका खेती करते हैं तो ये बड़ा अच्छा प्रोड्यूस देता है। और इसका इसके ऊपर जो एक्सपेंसेस है, खाद हो गया और पानी हो गया, इरिगेशन पे एक्सपेंसेस, वो कम होता है कंपेयर टू राइस एंड वीट। और इसीलिए ये ड्राई एरिड रीजन्स में इसका काफ़ी इसका फार्मिंग होता है, जैसे कि राजस्थान में बाजरा काफ़ी फार्मिंग करते हैं, हमारे नॉर्थ कर्नाटका में रागी का फार्मिंग ज़्यादा होता है। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो मिलेट्स होते हैं ये एज सच ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के बाद जब वीट का उपयोग ज़्यादा होने लगा तो मिलेट्स का उपयोग कम होते गया। परंतु आज पिछले एक 5-10 साल में इसका अवेयरनेस बढ़ा है और जो भी फिटनेस में या हेल्थ कॉन्शियस हैं वो मिलेट्स का उपयोग ज़्यादा करते हैं। मैं भी मिलेट्स का काफ़ी प्रयोग करता हूँ। और जो मिलेट्स होता है इसको हम कह सकते हैं कि कंपेयर टू अदर ग्रेन्स सच एज़ राइस एंड वीट, मिलेट्स में जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो काफ़ी कम होता है, फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है एंड प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। एंड इसके वजह से हेल्थ बेनिफिट्स इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। ग्लाइसिमिक इंडेक्स हमारा बढ़ता नहीं है जब हम मील कंज्यूम करते हैं, व्हेन कंपेयर टू अ मील ऑफ चपाती, रेगुलर वीट का चपाती, हम अगर बाजरे का रोटी लेते हैं या ज्वार का लेते हैं तो हमारा ग्लाइसिमिक इंडेक्स और ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। इससे ऑब्वियसली जब ब्लड ग्लूकोज इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, हमारा फिर बॉडी में फैट परसेंटेज जो है वो भी इंक्रीज़ नहीं होता है। तो हमारे लिए वो एक्चुअली हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होता है। एंड ऑफ कोर्स द फाइबर कंटेंट मिलेट्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो और प्रोटीन कंटेंट भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन कंटेंट अगर ज़्यादा होता है तो सैटिएटी एक चीज़ होता है जिसमें द फीलिंग ऑफ फुलनेस, बोले तो हम खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि हमने खाना अच्छे तरीके से खा लिया है और हमें भूख नहीं लग रही है, तो वो वाला फीलिंग हमें मिलेट्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू राइस और वीट। तो मैं इसका प्रयोग तो डेफिनेटली यही कहूँगा कि सभी लोगों को करना चाहिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट इश्यूज़, आर्थराइटिस, इन चीज़ों से ऑब्वियसली बच सकते हैं। एल्डर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सभी के लिए अच्छा है और फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो मैं सभी को इंकरेज करूँगा कि मिलेट्स का उपयोग करिए और मिलेट्स खाइए। और इसके अलग अलग तरीके के आइटम बनते हैं, जैसे चपाती तो बनता ही है, मिलेट्स का पुलाव बन सकता है, मिलेट्स का खीर बन सकता है, मिलेट्स का बिस्किट्स बन सकता है और मिलेट्स के बहुत अन्य तरीके के पदार्थ, टेस्टी पदार्थ हैं जो आप खा सकते हैं और यू विल फील हैप्पी आफ्टर ईटिंग इट, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई गलत चीज़ खाया। तो मैं यही कहूँगा कि ईयर ऑफ मिलेट जो है इसको खूब अच्छे तरीके से मनाइए और मिलेट्स का उपयोग डेफिनेटली आपके मील में आप ज़रूर करिए, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम एल्डर्स जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके अलावा हम जो बच्चे हैं, जो 6 महीने के बच्चे हो गए, 10 महीने के बच्चे हो गए, 1 साल के ऊपर, 2 साल के नीचे नीचे, जब से बच्चा खाना शुरू करता है तो हम इनको मिलेट्स भी खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम ज़्यादा होता है, आयरन भी ज़्यादा होता है, जैसे रागी हो गया, साउथ में रागी का हम मतलब बच्चों को खीर खिलाते हैं, तो रागी को क्या करते हैं कि पानी में कुक कर देते हैं और उसके साथ थोड़ा सा मीठापन के लिए गुड़ डाल देंगे या बनाना डाल देंगे,
तो वो बच्चों को खिलाने से वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए। और कोडो मिलेट हो गया, कोडो मिलेट का खिचड़ी बना सकते हैं या खीर भी बना सकते हैं। तो ऐसे ये अन्य पदार्थ हैं जो हम खाने के पदार्थ हैं जो हम बच्चों को भी खिला सकते हैं, जो उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। तो आप इसको श्योरली आप ट्राई करिए। मिलेट्स का प्रोडक्शन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हमारे साथ एक बिलासपुर में एक छोटा कंपनी है, एक फर्म है, उसका नाम है सियांजलि। तो वो ये मिलेट्स का प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मिलेट्स का प्रोडक्ट्स का हम डेली यूज़ कर सकते हैं। तो ये मिलेट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं ये अन्य तरीके के हैं जो आपको सियांजलि के वेबसाइट में या उनके जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनसे ज़्यादा डिटेल मिलेगा। परंतु बेसिकली फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, बाजरा, रागी, ज्वार, ये सब चीज़ें हैं जो इनके पास रेडिली अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आपका आपको ये अपने डेली डाइट में आप इंक्लूड करेंगे तो आपके फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।